सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यू मोटो व्लॉग्स। तो अभी जो हम लोग जा रहे हैं मैराथन डैम जा रहे हैं, और जैसे कि आप लोगों ने देखा था मेरे इस पिछले वाले ब्लॉग में कि हम गए थे ड्यूक 250 जैन थर्ड का डिलीवरी में, तो उस दिन डिलीवरी नहीं हो पाया था, तो भाई ने उसके नेक्स्ट डे डिलीवरी ले लिया था और हम नहीं जा पाए थे। तो आज हम आपको दिखाएंगे ड्यूक 250 जैन थर्ड जो न्यू कलर आया हुआ है, वो कलर अभी आपको दिखा रहे हैं। तो ये रहा है ड्यूक 390 जैन थर्ड 2024, और ये जो कलर है ये अटलांटिक ब्लू है, और पीछे मेरा बाइक है ड्यूक 390, सेम देख सकते हैं। जो टैंक में इसका जो कलर है वही कलर मेरा इस फेयरिंग में भी है, इस ये रहा। तो दोनों में डिफरेंसेस भी बताएंगे कि क्या डिफरेंस है, और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं मैराथन डैम। तो अभी सबसे पहले तो हम सोच रहे हैं कि अभी टेस्ट राइड ले लेंगे, और उसके बाद ही बताएंगे इसके बारे, इसके जितने सारे फीचर्स हैं और क्या क्या चेंजेस है 390 और 250 में, और नए वाले 250 में मतलब क्या चेंज हुआ है पहले वाले से। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए ड्यूक 250 जैन थर्ड का भी थोड़ा सा टेस्ट राइड ले लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में ही। सो गाइज, अभी हम चला रहे हैं ड्यूक 250 जैन थर्ड, और चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, और अभी न्यू है इसीलिए ज़्यादा स्मूथ लग रहा है चलाने में, और इंजन भी काफ़ी अभी रिफाइन किया हुआ है जो न्यू वाले जो जनरेशन है अभी आया जो है, और वो 250 भी और 390 दोनों सेम अभी बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया पहले वाले के कंपेरिजन में। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं आप, इसमें भाई ने अभी दो इसमें ब्रेम्बो कैन लगाया हुआ है, दोनों साइड लगाया है, और इसमें पता नहीं क्या डाला है इन्होंने, शायद स्टिंग डाला होगा ब्लू वाला मुझे लग रहा है जिस तरह से, और बहुत अच्छा लुक आता है सामने से, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। और अभी देख सकते हैं इसमें जो एक वार्निंग लाइट भी जल रहा है सर्विस का, आई थिंक सर्विस टाइम इसमें आ ही गया, एक हज़ार में सर्विस होता है फर्स्ट सर्विसिंग जो इसमें है, और अभी सर्विस को इसमें लिखा ही रहा है, और अभी भाई ने अभी चला दिया है 796, तो हमको लग रहा है आज तो 800-850 के करीब चला ही देंगे, क्योंकि अभी हम लोग मैराथन डैम जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा कंफर्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा हल्का भी लग रहा है, लाइट लग रहा है मेरे से ज़्यादा, मेरा मतलब 390 थोड़ा सा वेट है, और ये थोड़ा बहुत लाइट लग रहा है हमको चलाने में, और हैंडल इसका थोड़ा सा डाउन इसलिए है क्योंकि मेरा वाला जो हैंडल है वो थोड़ा हम उसको घुमा दिए थे आगे तरफ, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगता है चलाने में। तो जो अभी इसका जो है वो पूरा कंपनी जैसे दिया हुआ था वैसे ही किया हुआ है। तो अभी हम इसके स्पेक्स के बारे में बताएंगे कि गाड़ी में क्या फीचर्स अभी है और क्या क्या जो चेंजेस किए गए हैं न्यू वाले कलर में, थोड़े बहुत तो चेंज किए हुए हैं 250 जो पहले जो आया हुआ था, पहला जो स्लॉट था जो मेरा दोस्त के पास था स्पेक ब्लॉग। तो देख सकते हो मेरा गाड़ी जो जा रहा है 390, और इसमें आप देख सकते हैं जो पीछे वाला जो टेल था वो लगा दिए स्टॉक वाला, और क्या उसमें खोले हैं वो भी आपको दिखाएंगे वहाँ जब रुकेंगे तब। तो चलिए चलते हैं, और आज गाड़ी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हम चमका के लाए हैं क्योंकि आज थोड़ा एक दो रील्स बनाना है, बहुत दिन से बनाए भी नहीं है, तो ये जो टेल लगा है इसमें भी रील्स अभी बनाएंगे। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मैराथन डैम, और यहाँ का आपको व्यू दिखा रहे हैं। तो अभी एक न्यू लोकेशन पे जा रहे हैं, और इधर हम बहुत कम आए हैं, शायद एक बार आए थे, और अभी आ रहे हैं इस साइड, देख सकते हैं जो पुल बना हुआ है कितना सुंदर बना हुआ है। तो यहाँ से लोग पूरा कूदता है एकदम, गर्मी के दिन है बहुत, यहाँ पे स्विमिंग करता ऊपर से कूदता है यहाँ से चढ़ के। देखो तो देखो यहाँ से नज़ारा देखो, गजब लग रहा है ना, मस्त लग रहा है एकदम। सो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं मैराथन डैम, और लोकेशन जहाँ पे हम लोग का था वो लोकेशन हम लोग पहुँच चुके हैं, और अभी आपको दिखा रहे हैं जो 250 जैन थर्ड है उसके बारे में भी आप बताएंगे, और ऑन रोड प्राइस भी बताएंगे कि हमारे यहाँ पे कितने ऑन रोड प्राइस है, तो अभी दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ का लोकेशन देखो, ये जो पुल बना हुआ है यहाँ से लोग नहाता है और कूदता है इसके ऊपर से,
बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू है, और यहीं पे हम लोग सोचे एक दो रील शूट कर लेते हैं। इधर मेरा बाइक है और इधर अर्जुन का बाइक है और इधर रवि का, जो जिसके बारे में अभी आप बात करेंगे अभी। सो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो है सबसे बड़ा चेंज है वो कलर है। ये कलर है अटलांटिक ब्लू, जैसे कि अभी हम बताए थे पहले। तो इस गाड़ी में अभी ब्लू है, और जो पैनल है ये साइड पैनल ये पूरा ब्लैक किया हुआ है, और यहाँ पे ड्यूक 250 लिखा हुआ है इस जगह पे, और ये स्टिकर है ये ऑरेंज कलर का। और देख सकते हैं भाई ने लेते के साथ ही गाड़ी में मॉड थोड़ा बहुत कर दिया है। पीछे का जो टेल है वो हटा दिया है और ये टेल टेडिंग इंस्टॉल करवा दिया है। और जैसे कि दिखाएं आपको, और ये जो ब्रेम्बो का ऑयल कैन तो ये भी इंस्टॉल कर दिया दोनों साइड्स में। और इसमें देख सकते हैं ये जो है लीवर प्रोटेक्टर ये भी इंस्टॉल किया हुआ है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में देख सकते हो ये जो है ये पहले ऑरेंज आता था, जो अभी जो इसमें ब्लू किया हुआ है। और चेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज है देख सकते हैं यहाँ पे, ये है ये एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट में जो पहले आता था, जो जब लॉन्च किया था 250, उस टाइम ये एग्जॉस्ट में ये जो कवर है ये कवर नहीं आता था, और ये अब कवर आने लगा। 390 की तरह ही है, थोड़ा सा चेंज है 390 से, लेकिन 390 से मिलता जुलता है। तो ये अभी चेंज किया है और इस पर दिया हुआ है, पहले नहीं आता था। और तो कुछ वैसा चेंज नहीं है, बस कलर ही है और ये एक चीज़, बस दो ही चीज़ है। और चलाने में तो कंफर्ट है ही, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हमको पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा हमको रिफाइन लग रहा है। तो इंजन की बात करते हैं, सबसे पहले इसमें 249 cc की इंजन आती है, और इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 30.57 bhp में आती है, और इसको जो मैक्सिमम टॉर्क वो निकालती है 25 7250 rpm पे, और इसकी जो माइलेज है वो है 35 kmpl का, जो हमको लगता है कि जहाँ तक हम इसको चलाएं तो उस हिसाब से इसका माइलेज निकला है 30 से 33 के आसपास माइलेज निकला है इसमें ओवरऑल माइलेज। और कंपनी क्लेम करती है 35 की, बट अभी तक 30 से 33 का एवरेज इसमें मिला है। और फ्रंट की बात करते हैं, इसमें जो फ्रंट है वो WP Apex USD फोक्स दिया हुआ है, और ये एडजस्टेबल नहीं है, ये 390 में एडजस्टेबल होती है, बट इसमें बस मैनुअली कुछ नहीं, इसमें एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है। और रियर सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसमें WP Apex मोनोसॉकेट लगा हुआ, मोनोसॉक्स। तो इसमें जो फ्रंट टायर है वो MRF का दिया हुआ है, और 110 सेक्शन में ये टायर दिया हुआ है, और ये दोनों साइड MRF का ही टायर दिया हुआ है। और फ्रंट में इसका 110 70 R17 का है, और रियर में इसका है 150 60 ZR17, ये भी MRF का टायर है। तो 390 में जो टायर आता है वो मेटजेलर का टायर आता है, और इसमें MRF का दिया हुआ है। तो ये सब कॉस्ट कटिंग है। और मीटर की बात करते हैं इसमें, तो इसमें LCD मीटर 5 इंच दिया हुआ है, और पूरा ब्लैक एंड वाइट है, ऑन करके दिखा रहे हैं। तो ये रहा, तो अभी देख सकते हो 823 किलोमीटर चल चुका है, और इसमें अभी सर्विस का इसमें यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है, इस पर भी साइड स्टैंड लिखा हो रहा है, लेकिन इसमें सर्विस अभी आएगा, स्टैंड हटा देंगे। तो ये सारा बेसिक फीचर्स दिया हुआ है इस पर मीटर कंसोल में, और इन्होंने मिरर भी निकाल दिया है। तो मिरर निकालने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है इसका हैंडल बहुत ज़्यादा शॉर्ट लगता है, और इसको सिटी में राइड करने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। तो पीछे का भी लुक दिखा देते हैं ज़रा, और फ्रंट से भी दिखा देते हैं ज़रा। तो पहले जो है वो टैंक ग्रे कलर की आती थी, और अभी देख सकते हो ब्लू है, और ये जो है ये भी पूरा ग्रे आता था, जो मेरे 390 में है। अभी आपको दिखाएंगे साइड बाई साइड करके गाड़ी का दोनों को, ये भी ग्रे कलर का आती है। तो चलिए हम लाते हैं अपने 390 को इस जगह पे, और फिर आपको दिखाते हैं दोनों का कंपैरिजन। तो देख सकते हैं अभी 390 और 250 दोनों साथ में रख दिए, और कलर जैसे कि आपको बताएं, ये दोनों का अटलांटिक ब्लू है, वो इसमें पैनल पे दिया हुआ, उसमें टैंक पे दिया हुआ है, और साइड में ब्लैक किया हुआ है। तो फ्रंट से देख सकते हो दोनों का लुक। तो जैसे कि अभी आपको दिखाएं 250 में, कि इसमें जो इंजन मतलब साइलेंसर जो पाइप है उस पर कवर दिया हुआ है 390 जैसा ही है। तो फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में इसमें दिया हुआ DRL 390 में, जो इसमें चेंजेस है, और इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये आप अलग से लगा भी सकते हैं 250 में, बहुत कोई लगा लिया है 250 में। तो दोनों का लुक देखिए, और मैंने जैसे कि दिखाया अभी कि इसमें जो है टेल वो स्टॉक वाला और लगा दिए, और इस पर जो साइड में विंग्स टाइप था वो निकाल दिए हम, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था, और नीचे एक था वो भी उसको हटा के
बस अभी स्टॉक अभी थोड़ा दिन के लिए लगा लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो कीचड़ वगैरह हो रहा था, तो इसीलिए हम ये लगा दिए अभी। तो तेल टेडी भी लगा लेंगे कुछ दिन में, वो तो घर में आधा घंटा 15 मिनट का काम है। तो आप लोगों को जैसे कि दिखा दिए, और हाँ मेरे बाइक में तो 390 का जो BS4 है उसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये रहा। तो अभी तक में किसी ने ये चीज़ नहीं किया है, 390 में किसी ने जेन 3rd में ये वाला एग्जॉस्ट नहीं लगाया है और हम इसमें लगाए हैं। तो चलिए, तो इसका हम ऑन रोड प्राइस, मतलब एक शोरूम और ऑन रोड प्राइस भी बता दे रहे हैं 250। तो अभी जो है 250 जनरेशन ये 3rd का है, इसका भी एक शोरूम प्राइस पड़ रहा है 240,000, और इसका हम लोग का जो ऑन रोड प्राइस धनबाद का है 276,000। और ये हर स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में शायद अलग अलग प्राइस वेरी करता है, बट हम लोग के यहाँ पे 276,000 इसका ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बिहाइंड द सीन डाल देंगे सब, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं बाइक में वीडियोस बनाने के लिए भाई लोग अभी पूरा परेशान है, तब से ही लोग बोल रहा है वीडियो में फ़ोटोज क्लिक करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो देख सकते हो दोनों बाइक यहीं पे लगा हुआ है, और इधर फोटोग्राफर शॉप है, पीछे भी है, इधर इधर देखो। तो यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे उस जगह, अभी शूटिंग रेंज है उस साइड, उस तरफ भी जाएंगे अभी, अभी वहाँ का लोकेशन और रील्स भी मिल जाएगा। ये देखो, ये अर्जुन को भी देखो अपना MT में रील्स बना रहा है।